आज के किसी नौजवान को बड़े बूढ़ों के पास बैठने की दिल नहीं है। उनको अपनी माँ बाप का रोक टोक पसंद नहीं है। अक्सर बच्चे ही कहते मिलते खा मुखाए अब हम बच्चे चिल्लाते रहते, खा मुखाए अब हमको डांटते रहते, खा मुखाए अब हमको रोकते टोकते रहते। जिस दिन माँ बाप का जनाजा निकलेगा ना, उस दिन औलादों को पता चलेगा कि क्या चीज़ गई। अब हज़ार बुजुर्ग मिलकर एक माँ का बदल नहीं बन सकते। इस जुमले को लिख लेना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का जिस दिन इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला ने उनसे कहा मूसा अब संभल के रहना। हज़रत मूसा की तरबियत तो अल्लाह ताला बराह रास्त कर रहे थे और खिज़िर तक को लगा दिया था अल्लाह ने, मगर माँ के साए के उठने के बाद कहा कि संभल के रहना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मियाँ और वजाहत फरमा दीजिए, क्या चाहते हैं आप इस हिदायत के ज़रिए कि मैं संभल के रहना। हज़रत मूसा से अल्लाह ने कहा एक दुआ करने वाली हस्ती उठ गई, अब संभल के रहना। आज के अक्सर औलादों को अपनी माँ और बाप की बिल्कुल कदर नहीं। बाप से तो फिर भी लोग डरते हैं, माँ को तो उलट कर जवाब दे देते हैं। और सलाम हो इस माँ की मोहब्बत पर कि वो माफ़ भी करती है और छुपाए भी रहती है अपनी औलादों की गलतियों को, बाप तक से छुपाती है कि बाप कहीं नाराज़ ना हो जाए, बाप कहीं डांट मार ना शुरू कर दे, छुपाए रहती है। और इसी लाड़ प्यार में औलाद बिगड़ जाती है।